अल्लाम नाजरीन मेजबान इकराम जोही और आज इस विलाग में जो है वो थोड़ा सा सियासत और दीगर मौजूद से हटकर जो है वो आज आपके साथ थोड़ा सा खेल की खबरें जो है वो शेयर की जाएँगी अभी मैंने एक स्पोर्ट्स का एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब के ऊपर उसके लिए पहला वीलाग आपके हाजिर खिदमत है क्योंकि अभी आ, पी एस आने जा रहे हैं तो जहाँ पर एक तरफ इलेक्शन की गैमा गहमी है और सियासी खबरों की आ, भरमार है तो वहीं जो है वो थोड़ी सी खेल की भी खबर रिफ्रेशिंग खबरें जो है वो भी आप तक पहुँचाई जानी जरूरी हैं तो इस हवाले से मैंने जो है वो ये सोचा कि आप तक तमाम जो कंटेंट है उसको पहुँचाने की जो कोशिश है वो जारी रखते हुए अब जो है वो थोड़ी सी स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप तक चीजें जो है वो पहुंचाई जाएं इस हवाले से मैंने अभी एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट जो है वो स्पोर्ट्स की जनरेट किया की मुझे जरूर फेसबुक यूट्यूब पर जो है वो फॉलो करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं अब तक तमाम कंटेंट जो है वो कोशिश करूँ कि वो आप तक पहुँचा सकूँ और आज इस वीलाग में जो खसूस तौर पर स्पोर्ट्स के ऊपर किया जा रहा है जिसमें सियासत और दीगर मौजूद से हटकर जो है वो स्पोर्ट्स ही इसका मौजू है जिसमें पी एस एल जो है वो सर फहरिस्त है इसके बाद टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है उसका थोड़ा सा तस्कर कर लेंगे तो आपको मेरा जो प्लेलिस्ट है इसमें तमाम स्पोर्ट्स के वाले से जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी अब मैं इस बी का बाकायदा आगाज करता हूं जिसमें पीएसएल मैचेस की टिकटों के बारे में आपको बताता चलूं कि पीएसएल की जो टिकट्स हैं वो कितने की होंगी कब से अवेलेबल होंगी आप कैसे खरीद सकेंगे वो तमाम तब तफसी जो है वो बीलाह के पहले हिस्से में आपको कीमतों से लेकर खरीदने का तरीकाकार जो है वो बताया जाएगा दूसरे हिस्से में जो है वो टी वर्ल्ड कप जो है उसमें कितनी टिकट्स खरीदी जा चुकी हैं और

ऑनलाइन टिकट्स जो है वो खरीद सकेंगे जबकि कोरियर कंपनी है उसकी मुख्त ब्रांचेस से भी टिकट्स की फरोख है वो भी 12 फरवरी से शुरू हो जाएगी अब आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एक तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे टिकट्स जो है वो खरीद सकते हैं जबकि कुरियर कंपनी है उसके जरिए उसके मुख्तिक ब्रांचेज जो भी आपके करीबी ब्रांच है कुरियर कंपनी की वहां से भी आप टिकट जो है वो फरोख्त हो रहे होंगे वहां से आप खरीद सकते हैं बारह फरवरी जो है उससे टिकट्स फरोख्त होने शुरू हो जाएंगे ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके किस मॉडल आपके लिए सूटेबल है अगर आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में इसका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा उस लिंक के जरिए जो है वो आप 12 फरवरी से जो है वो ऑनलाइन टिकट्स जो है वो खरीद सकेंगे और इसके अलावा आपके पास ब्रांचेज से भी कोरियर कंपनी के ख़रीदने का ऑप्शन अवेलेबल होगा पी मैचेस के लिए अब बात कर लेता हूँ टिकट की, की कीमतों का जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग जो है वो पूछना चाह रहे होते हैं मुझसे अक्सर स्टेटस पे भी लोगों के यही सवाल आ रहे होते हैं कि कीमत क्या है टिकट की जो पी के लिए वो खरीदना चाहते हैं पी पी एस एल मैचेज की जो टिकटें हैं उनकी मुख्त कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं पी एस एल के लिए जनरल इन्क्लोयर्स जो है उसकी टिकट की कीमत जो है वो साढ़े सात सौ रुपये मुकर की गई है जो नॉर्मली अगर आप खरीदना चाहते हैं तो साढ़े सात सौ का जो टिकट है वो आपको पी एस एल मैचेस के लिए जनरल इनक्लोजर का मिल जाएगा जितने भी आप दोस्त फैमिली या जो भी आप जैसे प्लान कर रहे हैं पी एस एल मैचेस देखने के हवाले से तो आपके लिए वो सात सौ रुपये का टिकट जो है वो आपको खरीदना होगा जबकि फर्स्ट क्लास इनक्लोजर की जो टिकट्स हैं उनकी एक हजार पाँच सौ रुपये कीमत जो है वो मुकर की गई है जनरल इन्क्लोजर सात सौ रुपए का है फर्स्ट क्लास इंक्लोजर जो है उसकी टिकट की कीमत एक हज़ार पाँच सौ रुपये मुकर की गई है अब थोड़ा सा इससे जरा महंगे वाले की बात कर लेता हूँ तो प्रीमियर इन्क्लोजर्स जो है उनकी टिकट की कीमत जो है वो दो हज़ार पाँच सौ रुपये मुकर की गई है इसके बाद जो है जो वी आई पी की बात कर ली जाए जो लोग वी आई पी में बैठ कर जो है वो मैच देखना चाहते हैं तो उसकी कीमत पाँच हज़ार रुपये की गई है पच्चीस जो है वो प्रीमियम इन्क्लोजर्स हैं उसमें जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी बेहतर होती हैं उसके अलावा उसका जो व्यू होता है ग्राउंड का जो पिच का व्यू होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए इनकलोजर थोड़ा कदरे बेहतर होता है लेकिन हमारे जो बदकिस से जो यहाँ पर स्टेडियम्स हैं उनकी हालत जार जो है वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा इस दफ़ा पी कवर करने जाऊँगा तो आपके साथ उसकी वीडियोज़ भी ज़रूर शेयर की जाएंगी कि क्या अपग्रेडेशन हुई है टिकट्स जो आप लोग खरीदते हैं की जाती है आपकी कीमत जो है वो उन सीटों पर की गई है या नहीं पांच सौ रुपए और वी आई पी इंक्लोजर्स की जो कीमत है वो पांच हजार रुपए की गई है इसे एक और भी बताता चलू की पी एस एल जो नाइन्थ है नाइन्थ एडिशन पी एस एल का जो है उसका आगाज सत्रह फरवरी से हो रहा है इलेक्शन की गैमा गैमी के साथ साथ पी की भी गैमा गैमी जो है वो रूज पर है पी आने वाला है और पी और क्रिकेट शायक जो है वो सत्रह फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे इलेक्शन का लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं तो वैसे ही क्रिकेट का भी पी का भी बुखार का जो इंतज़ार है वो सत्रह फरवरी का हो रहा है जो अब्ती तकरीब है उसके जो मैचेस हैं और फाइनल मैच की जो टिकटें हैं उनकी थोड़ी सी कीमत जो है वो ज़्यादा रखी गई है अब्ती तकरीब जो है उसको भी थोड़ा सा जो है वो महंगा रखा गया है और जो दीगर जो फाइनल मैचेस हैं उसकी भी कीमत थोड़ी सी डिफरेंट अब मैं उनकी तरफ थोड़ा सा जाता हूँ जो इब्तही तकरीब के रोज़ टिकट की कीमत जो है वो एक भी रखी गई है दो है तीन है और छः जो है वो इसकी कीमत रखी गई है और इसके अलावा जो है जो फाइनल चाहे उसकी टिकट्स की कीमत एक हजार ढाई हजार चार हजार और आठ हजार की गई है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं सात सौ की जो टिकट की कीमत थी वो जनरल इनकलोजर्स की कीमत थी जो आम मैचेज हैं इसके अलावा जो इफ्ती तकरीब के रोज़ जो अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं और अफ्ती तकरीब जो है वो आप टी वी पर जो देख रहे होते हैं वो अगर आप स्टेडियम से जाके देखना चाहते हैं तो उसकी जो टिकट की कीमत है एक हज़ार रुपया है दो हजार है तीन हजार है और छः हजार रुपया जो है वो मुकर की गई है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के टिकट्स हैं जो आपको सूटेबल रखता है वो आप टिकट खरीद सकते हैं इसके अलावा जो फाइनल मैचेज हैं उनकी टिकट्स की कीमत एक हज़ार है ढाई हजार है चार हज़ार है और आठ हज़ार रुपये की टिकट अवेलेबल होगी इनमें से भी जो आपके फेवरेट है या जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप टिकट खरीद सकते हैं एलिमिनेटर्स जो मैचेस हैं उनकी टिकट्स की बात की जाए तो सात सौ पचास रुपये तीन हज़ार और पाँच हज़ार रुपये जो टिकट की, की कीमत है वो मुकर की गई है जबकि कराची पी एस का जो फाइनल है वो 18 मार्च को होगा और वो कराची में खेला जाएगा कराची वाले जो है वो नौ पी एस नाइन का जो मैच है वो फाइनल 18 मार्च को देख सकेंगे और जो लाहौर इस्लामाबाद से जो शाइिन जाना चाहें वो भी 18 मार्च को जो है वो कराची में ज़रूर फाइनल जो है वो देखना पसंद करेंगे जबकि अब थोड़ी सी मैं जिक्र कर लेता हूँ पी की बात हुई है तो टी का क्यों ना जिक्र किया जाए और टी के टिकट्स के हवाले से जो है वो क्या अपडेट है और लोग कैसे टी की टिकट

126 मुल्कों से कुल एक इशारिया दो मिलियन फैंस ने टिकट्स की बैलेटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है अभी होगा कुछ चूँकि बैलेटिंग की जाएगी बैलेटिंग के बाद जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो फैंस होंगे उनको कुरानंदाजी के जरिए जो है वो इस दफा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की जो टिकटें हैं वो मिल पाएंगी तमाम लोगों को नहीं मिलेंगी क्योंकि महदूद नशस्तें होंगी महदूद टिकट्स होंगी उसके लिए जो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे उनके लिए बैलेटिंग होगी बैलेटिंग के बाद जिनकी किस्मत में हुआ वो मिलेंगे 126 मुल्कों से कुल एक इशारिया दो मिलियन जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने इस वक्त तक टिकट्स की बैरटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है अगर आपने नहीं करवाई और अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जल्द अज जल्द जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें ताकि आपको कुरंदाजी में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े मेज़बान मुल्क अमरीका और वेस्ट इंडीज़ से नौ लाख फैंस ने इस वक्त रजिस्ट्रेशन करवा लिया दोनों ममालिक अगर बात की जाए जहाँ पर टी वर्ल्ड कप खेला जाएगा जिसमें मेज़बान ममालिक हैं अमेरिका में खेला जाएगा इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा वहाँ दोनों मुल्कों के जो 9 लाख फैंस हैं उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लिया जबकि टिकट बैलेटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी तक जारी रहेगी 7 फरवरी जो है वो इसकी आखिरी तारीख है 7 फरवरी से पहले-पहले आप टी20 वर्ल्ड कप की के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप टी20 वर्ल्ड कप देखना चाह रहे हैं और अगर आप कोई ब्लैक में टिकट खरीदने वाला आपके साथ सिनेरियो ना हो या आपको टिकट्स ना मिलने का जो गम है वो ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सात फरवरी से पहले पहले जो है वो आप रजिस्ट्रेशन टिकट्स के लिए बैलेटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें एक अंदाजी के जरिए रजिस्टर्स फैन को ही टिकटें मिलेंगी तमाम रजिस्ट्रेशन करने वाले अफराद को नहीं मिलेंगी आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं अगर आप मैच देखना चाह रहे हैं सात फरवरी आपके लिए आखिरी डेट है जबकि दूसरे मरहले में बाईस फरवरी से टिकट पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर भी फरोख्त होंगे ये जो दूसरा मरल है इसमें बाईस फरवरी तक का है जबकि टू टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए 55 मैचेस के लिए मजमू तौर पर दो लाख साठ हज़ार टिकट्स फरोख्त होंगे फैंस आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आप अगर समझ रहे हैं कि देखें टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि उनको मैचेस की जो टिकटें हैं वो अवेलेबल हों टिकट्स उनको मिल जाएँ तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो फैंस होंगे उनमें मजमूरी तौर पर जो पचपन मैचेज टी वर्ल्ड कप के पचपन मैच होंगे उनके जो दो लाख टिकट्स जो जो हैं वो आ, जो है वो आईसीसी है इस दफा वर्ल्ड कप की करेगी जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जारी भी है। दो लाख साठ हजार अफराद में क्या आप भी शामिल होंगे तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं कुरंदाजी में अगर आपका नाम निकल आया तो आप दो लाख साठ हजार उन खुश नसीब फैंस क्रिकेट के होंगे जो मैचेस जो है वर्ल्ड कप के देख पाएंगे आपको मेरा ये खेल से मुतालिक जो वील आ गया आपको कैसा लगा मुझे जरूर अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा और इस दफा पी एस एल जो रावलपिंडी के मैचेज होंगे वो मैं कवर करने के लिए जाऊँगा और आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट्स जो है वो गाहे बगा आगाह करता रहूंगा और मेरे इस स्पोर्ट्स के प्ले लिस्ट से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्पोर्ट्स के वाले से खासतौर पर अगर रावलपिंडी मैचेस की बात की जाए जब भी रावलपिंडी में मैचेज होंगे और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब मैचेस होंगे या इसके अलावा दीगर खेल की जो खबरें होंगी खेल के मौजू पर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ मैं ज़रूर इस प्ले लिस्ट के जरिए आप तक पहुँचाऊँगा मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मुतलका खबरें जो हैं वो भी पहुंच सके तजिये पहुंच सके इसके अलावा दीगर मौजूद पर भी वसी रेंज का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा ज़रूर मेरा फेसबुक जो है वो आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब दोनों जो है प्लेटफॉर्म हैं सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और मुझे अपने कॉमेंट्स से आगा भी कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मजीद बेहतर वीडियोज़ और तबसरे और वीलाग्स के जरिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश जारी रख सकूँ अल्लाह ने के बाद